जय राधे गोविंद। गॉडेस ऑफ द मून की तरफ से आज आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, वो हम अभी जानेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि सब लोगों की वाइब्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, सिचुएशन सेम नहीं है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के साथ कोई भी चीज़ रेजोनेट करता है, आप लोग उसी चीज़ के साथ आगे बढ़िए, पॉजिटिवली, खुशी खुशी। जब कभी भी आप अपने ट्रू लव, अपने सोलमेट से मिलेंगे, तब आपको एंजल नंबर 55 और 88 बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। पेशेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कितना भी डेस्परेटली चाहे आपके न्यू लव से मिलना, बट जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है, तब तक आपको पेशेंस रखना होगा। जॉब, स्टडी, बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो, उसे दिल से करो, खुश होके करो, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। एक बोझ समझ के मत करना, नहीं तो उसमें कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है। आप हमेशा अपने पर्सन के हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हो। वो आपको खोने से डरते हैं, इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। वो आपके लिए एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, एक बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, ताकि वो एक डीप लव महसूस कर सके, डीप इमोशन आपके साथ महसूस कर सके। अब काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, डिफरेंट करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, काफ़ी अच्छी पावरफुल यूनिक एनर्जी है आपकी। जो भी करना चाहोगे, डिफरेंट करना चाहोगे, अलग करना चाहोगे, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को कुछ अलग गिफ्ट करना चाहोगे, इसके लिए आप उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हो, जुटे हुए हो उस पे। हो सकता है इस समय आपके सामने सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, लेकिन मार्च 18 तक आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। आप में से कुछ लोग पास्ट के फेलियर्स की वजह से, रिजेक्शंस की वजह से डर रहे हो। सिचुएशन हो, इंसान हो, जॉब हो, करियर हो, जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन मिला है, उसको आप अभी भी पकड़ के बैठे हो। इस सिचुएशन में आपको नहीं रहना है, ये वाइब्स आपके लिए सही नहीं है। ये आपको मानना है कि वो मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए मुझे रिजेक्शन मिला है। जो मेरे लिए सही है वो मुझे मिलेगा, और अभी आपको मिल रहा है लेकिन आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे हो, डर रहे हो। मार्च के एंड तक आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसमें, तो डरो मत, एंजॉय करो। बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने वाली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, और ये एकदम अचानक से होगा। आपको हो सकता है झटका भी लगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता है,
लेकिन आपको ये याद रखना है, ये सोच रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। Trust the seas of a benevolent universe. Stay positive, stay happy, stay blessed. Thank you. Radhe Radhe.